तो गाइस आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक क्रिम्पिंग टूल से लग्स को क्रिम करते हैं प्रॉपरली। तो ऑलरेडी हमारे पास दो लग्स हैं जिनका साइज़ अगर आप देखोगे इस वीडियो में तो मेंशनड है 35 स्क्वायर mm केबल के लिए। तो उसको क्रिम करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्रिम्पिंग टूल है उसमें ऑलरेडी इंडिकेशन दिया रहता है कि आपको कौन से साइज़ का क्रिम करना है। तो अभी ये 6 पे सेट है, फिर मैं इसको टर्न करूँगा, 25 आ गया। 25 के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास 35 आ चुका है। यहाँ पे अभी इस साइड में 50 दिख रहा है, ये थोड़ा व्हील टाइट है तो इसको घुमाने के लिए मैं लग्स को यूज़ कर रहा हूँ। अभी ये 10 पे सेट हो गया, 10 के बाद मैं घुमाऊंगा तो ये 16 पे सेट हो गया है, 16 के बाद अभी ये 35 पे सेट हो गया है। तो आप देख रहे हो दोनों व्हील 35 35 पे सेट हो गया है। इस व्हील को लॉक करने के लिए मैं इसका स्क्रू को टाइट कर दूंगा, और अगर साइड पे आप इसको कर रहे हो क्रिम करने के लिए तो यहाँ पे आप जो एलुमिनियम या कॉपर का केबल होगा उसको आप इसके अंदर इंसर्ट करोगे प्रॉपरली, और फिर आप इसको हैंडल एक्सपेंड करके इस लग्स को इसके बीच में रखोगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से लॉक कर दोगे। लॉक करने के बाद आप ये जो हैंडल देख रहे हो इसको आप पूरी तरीके से प्रॉपरली इसको दबाओगे। तो दबाने के टाइम मैं इस लग्स को डैमेज नहीं करना चाहता, मैं इसको हटा ले रहा हूँ। आप जब इसको दबाओगे पूरा प्रॉपरली तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। लॉक होने के बाद आप और इसको दबाओगे तो ये जो आप लग्स देख रहे हो ये पूरी तरीके से फ्लैट हो जाएगा, और जो इसके अंदर का जो केबल है वो एकदम इसके अंदर लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद आप क्या करोगे कि इसके चारों तरफ आप इंसुलेशन टेप लगा दोगे, ठीक है, ताकि कुछ बच्ची कुछ ही डस्ट इसके अंदर ना जाए जिसकी वजह से हीटिंग या स्पार्किंग हो सकती है। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी प्रॉपर क्रिम्पिंग इंश्योर कर सकते हो।